विगत दिनों खबर सामने आई थी कि भतीजे ने चाची से दुष्कर्म किया है, जो कि रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना बताई जा रही थी। और पीड़ित पत्नी के पति ने यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अपने भतीजे पर लगाए थे, जिस पर पुलिस ने वेदमणि तिवारी को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था, जिस पर जांच की जा रही थी। लेकिन सच ऐसा सामने आया कि सुनने वालों के कान खड़े हो गए। दरअसल पीड़ित पत्नी का पति उसको पहले से ही मारपीट करता था, उसके साथ घर से निकाल चुका था और उसका किसी अन्य के साथ भी संबंध थे, जिससे महिला मायके में रहती थी और उनका मायका उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है। पत्नी जब रीवा आई तो भतीजे ने उसको रुकने के लिए एक होटल में कमरा बुक करा दिया, जबकि वह भतीजा वहां गया भी नहीं था होटल में। चाची ने अपने बयान में यह बात बताई है। पारिवारिक विवाद के चलते पति ने भतीजे पर पत्नी से दुष्कर्म का आरोप लगा दिया, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा वह एनएसजी का कमांडो है। आप भी सुनिए केस लड़ने वाले वकील पार्थ सिंह ने इस संबंध में क्या विधिवत जानकारी दी है। ये चाची भतीजा जो केस अभी कुछ लोग सोशल मीडिया और पेपर में आया जी, क्या है इसे? ये जो भारतीय न्याय सेवा है, बीएनएस का नया 376 जो पहले आईपीसी रेप था, उसके खिलाफ पति ने एलिगेशन लगाए कि उसकी वाइफ के साथ, पीड़िता के साथ वेदमणि तिवारी, हाँ ये आर्मी का एनएसजी कमांडो है, तो जो पति ने इसको छोड़ रखा है, इस लेडी को, प्रोसिक्यूटर्स का हम नाम नहीं बता सकते क्योंकि सब जुडिस का मामला, तो वेदमणि तिवारी को सिविल लाइन थाना ने अरेस्ट किया और जेआर बना उसका, जेल रिमांड, जेल चला गया वो। और जब बेल फाइल हुई तो जो विक्टिम है, पीड़िता, उसने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पति हमको 3 साल से छोड़ रखे हैं, ना खर्चा देते हैं ना कुछ, तो रिश्ते में भतीजे होने के कारण उसने रूम बुक करा दिया था राज पैलेस होटल में, और मेरे साथ रेप जैसा कुछ नहीं हो, वो तो होटल गया भी नहीं था, वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ रही। अब वो जो भी जिसने जानकारी दी, जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया में भी एक तरफ की शर्मसार करते हुए, कलंकित करते हुए, रेप करते हुए, जब उसका 164 का प्रोसिक्यूटर्स हुआ तो बोला मेरे साथ रेप जैसा कुछ नहीं हुआ, मेरे पति ने थोड़ा सा तो एक रात रुकने के लिए उसने रूम बुक कराने के लिए बस पैसा दिया था फ़ोन पे के माध्यम से, और वो उनके घर में किराए से रहता था उनका हस्बैंड, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण एज अ टूल कोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से कोर्ट ने उसकी बेल अलाउ की है। अब उसकी पोस्टिंग एनएसजी के थ्रू है तो वो पोस्टिंग हम पूछ नहीं सकते कहाँ पे है। वेदमणि रहने वाले इनके पैतृक गांव से मरिया के हैं, घर रीवा में बना है डेका पे, हाँ, तो ऐसे कानून का दुरुपयोग करते हैं लोग अपने पर्सनल में निकल। फौज में है वो पति? नहीं नहीं, फौज में पति नहीं है, ये चाची जिसकी लगती थी भतीजा, वो लड़का जिसको आरोपी बनाया था पुलिस ने, वो हाँ वो आर्मी में राजपूत राइफल्स से बीएसएफ में एनएसजी में गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो छुट्टी में आया था, जिसकी कल छुट्टी ख़त्म हो रही है और चला जाएगा अपनी पोस्टिंग में। पति मैंने छोड़े हुए हैं, उनको नहीं आइडिया है, प्रोसिक्यूटर्स को खुद, कि जब पति के साथ रहती थी, पति ने घर से निकाल दिया मारपीट करके, ऐसा विक्टिम का कहना है, पीड़िता का, कि पति का किसी के साथ संबंध है, इस वजह से उसने अपने घर से निकाल दिया। तो इसने एक रात रुकने के लिए, क्योंकि इनका जो मायका है वो उत्तर प्रदेश में कहीं है, इस वजह से राज पैलेस होटल में एक रूम बुक करा दिया फ़ोन पे करके, नेट के थ्रू, हाँ, तो इनका जो प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है उस वजह से उन्होंने जाके रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस का भी काम है रिपोर्ट लिखना, लेटर में रिपोर्ट लिखी, FIR दर्ज की, जब पीड़िता का बयान हो तो उसने बोला मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है रेप जैसा, हाँ, कोर्ट में 164 CRPC के तहत बयान हुआ उनका, आदिति, ऑनरेबल आदिति अग्रवाल मैडम के यहाँ। हाँ, मैं पार्थ सिंह, एडवोकेट, थैंक यू। टाइल्स परफेक्ट मार्केटिंग, हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध, हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है, और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है।
हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8319179764। हमारा टेलीफोन नंबर है 0762640704।